एक केस में रिलीफ, अगले रोज दूसरे केस में तकलीफ। तोशाखाना के दूसरे केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गयी। बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत अडियाला जेल में हुई। अदालत ने बरियत की दरख्वास्तों पर पहले से महफूज फैसला सुनाते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए खारिज कर दी। दोनों पर फर्दर जुर्म आयद करने के लिए 18 नवम्बर की तारीख मुकर्रर कर दी गयी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हम अपना हक लेने के लिए दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। हिकमत अमली अभी नहीं बता सकता। सूबाई दारुलहुकूमत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आली अमीन गंडापुर ने कहा कि अपना हक लेने के लिए दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। ये जुल्म बर्बरियत करते हैं, हम आदि हो चुके हैं। आईन ने हमें एहतजाज का हक दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 18 मुकदमात पर समात मुकम्मल करते हुए बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर 15 केसेस खारिज कर दिए, जबकि 3 पर समात मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समात की। आईनी बेंच ने गैर मुल्की खवातीन से पाकिस्तानियों की शादियों पर पाबंदी की दरख्वास्त खारिज करते हुए दरख्वास्त गुजार पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान आने से इनकार पर तर्जमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि भारत खेलों को सियासत की नज़र ना करे, कोई बैकडोर रबते नहीं किए जा रहे। दफ्तर खारिजा के तर्जमान मुमताज़ ज़ाहरा बलोच ने मामूल की प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर कयास अराइयों पर यकीन ना किया जाए। पाक चीन ताल्लुकात को एजेंडे के तहत खराब करने की कोशिश की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आसफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने के केस में शेख रशीद के बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सिविल जज यासर महमूद ने सदर आसफ अली जरदारी से मुतालिक इल्जामात पर शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमे में बरियत की दरख्वास्त पर समाअत की। चारसद्दा में पुलिस वैन के करीब खुदकुश धमाका हुआ, ताहम इसमें पुलिस एहलकार महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक चारसद्दा में पुलिस स्टेशन उमर जई के हदूद अखोन डेरी के करीब पुलिस वैन के करीब खुदकुश धमाका हुआ, ताहम धमाके से पुलिस एहलकारों समेत पुलिस वैन महफूज रही। सुप्रीम कोर्ट में कायम आईनी अदालत ने काजी फायज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तकर्री के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। एडवोकेट रियाज हनीफ राही ने नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। रियाज हनीफ राही ने दलाइल में कहा कि मुझे गुजारिशात के लिए 5 मिनट दें, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि नजरसानी गैर मुअस्सर नहीं होगी। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क दिए कि अब तो काजी फायज ईसा की जान छोड़ दें, ये रोस्टरम सियासी तकरीरों के लिए नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम उठा रही है। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ देने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी सेहत से मुतालिक अफवाहों की वजाहत कर दी। लंदन में पार्टी कारकुनान से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि मेरी सेहत से मुतालिक अफवाहें फैलाई गयी और झूठा प्रोपोगंडा किया गया। वाजे करना चाहती हूँ कि मुझे कैंसर नहीं है बल्कि पैराथायराइड का मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने कहा है कि रोज इंतशार और मार्च की नई कॉल दी जाती है। बरतानिया में हंगामा करने वालों को अदालत ने फौरी सजाएं दी। हमारे यहाँ इंसाफ का निजाम रिट ऑफ द स्टेट कायम करने में किरदार अदा करे। मैं पहला शख्स था जिसने इस सुनामी और फ्रॉड में पहली कील ठोंकी थी। रावलपिंडी में 6 माह कबल अहलिया को कत्ल करके तिबी मौत जाहिर करने वाले शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया। रवा साल अप्रैल में खातून के जांबा खोने के इतला पर रावलपिंडी में आरे बाजार पुलिस ने शक के बिना पर पोस्टमार्टम करवाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई तो इंकशाफ हुआ कि कत्ल में मकतूला का शोहर मुलविस है। मुलजिम काशिफ ने मामूली नचाकी पर अहलिया को कत्ल किया था। अमेरिका की रियासत ओरेगन से ताल्लुक रखने वाली टिकटॉकर सारिफ कालीना मैरी ने अपने दिल दहला देने वाली शादी के तजर्बे को सोशल मीडिया पर शेयर करके वायरल कर दिया। 9 साल से अपने साथी शीन के साथ रहने वाली कालीना ने अपने होलनाक शादी के दिन के लिए 75 मेहमानों को डिजिटल दावतनामे भेजे थे और 25 को जाती तौर पर दावत दी थी, मगर जब शादी के दिन वो शानदार हॉल में दाखिल हुई तो सिर्फ 5 लोग इनकी खुशियों का हिस्सा बनने आए। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के शिरकत से इनकार के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी का सबर भी जवाब दे गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के राइट्स खरीदने वाली कंपनी ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ICC ने ब्रॉडकास्टर्स को 2027 तक के मीडिया राइट्स $3 अरब में दिए थे और यकीन दिलाया था कि इस सर्कल में पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे।
और मशहूर बॉलीवुड फिल्म द विजिट ऑफ ओज में जोडी गैलर्ट के इस्तेमाल में आने वाले जूतों का जोड़ा चोरी होने के तकरीबन दो दहाइयों के बाद नीलामी के लिए पेश कर दिया गया। अमरीकी शहर डेलिस के हेरिटेज ऑक्शन के ऐलान के मुताबिक जूतों की नीलामी के लिए ऑनलाइन बोली लगना शुरू हो चुकी है, जो कि 7 दिसंबर तक जारी रहेगी।